आपका एनर्जी उसमें ज्यादा लगेगा, आपको कम से कम 2019 के बाद के लगा ली एनर्जी। तो 140 मार्क्स के वाले बच्चे तो डेफिनेटली अपनी तैयारी अब स्टार्ट कर दीजिए। मैं आप सभी लोगों के साथ, देखो सभी का टेंटेटिव टाइम अलग अलग होगा, ठीक है। एनआईटी के लिए भी क्राइटेरिया है भैया, जिस चीज की तैयारी कर रहे हो कम से कम उसके बारे में जान तो लो, ठीक है। स्टेट बोर्ड्स का क्राइटेरिया 75% का नहीं, ठीक है, परसेंटाइल का है, चेक कर लेना, हर बोर्ड का अलग अलग है, ठीक है। पेपर लेवल यही रहेगा, जेई मेंस में पेपर लेवल आपका यही रहेगा, बच्चे स्कोर करेंगे, दिक्कत आएगी वहां पर, पेपर का डिफरेंस कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, यही पेपर लेवल रहेगा। आपको फिर से अपने क्लास नोट से चीजें मिलेंगी, बस दिक्कत यह है जो अच्छे से पढ़ के चला जाएगा वो स्कोर अच्छा कर ले जाएगा, और ज्यादा स्कोरिंग वाले मार्क्स पे परसेंटाइल बनने स्टार्ट हो जाएंगी, तो वैसे ध्यान रखना है। 80 मार्क्स बिलो इसलिए है क्योंकि आपने सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा बेटा, अभी क्लास नोट्स रिवाइज करेंगे, मेक शॉर्ट नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद के बनाना, डाउनलोड मत करना, दूसरे का कोई फायदा नहीं देगा। हाईलाइट फॉर्मूला शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूला बनाइए, डीपीपी करिए, ये सारे जेईई मेंस लेवल तक का आपको बहुत अच्छे से कराएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द क्लास नोट्स, जिनके 80-140 आ रहे हैं उन्होंने क्लास नोट्स पढ़े, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो उन्होंने मार्क करे या एडवांस के क्वेश्चन जो बताए गए, जो यहां पे कुछ नया सीख सकते हैं आप करेंगे, डीपीपी अगर पेंडिंग है वो करेंगे, या फिर आप रिवाइज में डीपीपी सारे करेंगे, एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 ऑफ द मॉड्यूल, एचसीवी की बैक एक्सरसाइज। अब सर समय कहां है, इतना निकालना पड़ेगा, इसमें से जितना निकाल करके कर ले जाओगे उतना ही आगे बढ़ जाओगे, सीधी सी बात है। मैं ये नहीं कह रहा एक एक चैप्टर का सारा कर दो, जितना खींच सकते हो उतना तो खींचो। 142-250 मैं मान के चल रहा हूं कि आपके कहीं ना कहीं तीनों सब्जेक्ट कंट्रोल में है, ठीक है, तीन, एक सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक है, दो सब्जेक्ट अच्छे खासे कंट्रोल में है। एडवांस के क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे, एक्सरसाइज 3 एंड एक्सरसाइज 4 ऑफ द मॉड्यूल, एडवांस पीवाईक्यू एचसीवी की एक्सरसाइज एंड ऑब्जेक्टिव 1। जिनके 250 प्लस आ रहे हैं एडवांस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करेंगे, एडवांस के पीवाईक्यूज एचसीवी के लास्ट 10 क्वेश्चंस हर चैप्टर के लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव 2 एंड सॉल्व एग्जांपल्स आप ये करने की कोशिश करेंगे। पीवाईक्यू सर मेरे को पीवाईक्यू किन किन के लगाने हैं, जेईई मेंस 2019 के आगे आपको सारे लगाने हैं, क्योंकि आपका मेजर, मैंने 19 वाला क्यों लिखा है, इसका 15, उसका 10 और उसके मैं एडवांस क्यों लिखा है, उसका रीजन मैं बता देता हूं। इन बच्चों का रिवीजन खुद का ही नहीं है, चैप्टर्स तैयार नहीं है, तो आपका एनर्जी उसमें ज्यादा लगेगा, आपको कम से कम 2019 के बाद के लगा लेने चाहिए। इनके चैप्टर तैयार है, इनको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो 2015 के बाद के आपको सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, और पीछे जाना चाहे जा सकते हैं, लेकिन दिस इज मिनिमम, आई एम सेइंग मिनिमम। जिनके 142-250 मार्क्स हैं, दैट मींस इनका सब्जेक्ट होल्ड में है, इनको रिवीजन थ्योरी की नहीं क्वेश्चन की करनी है, तो आपको जेईई मेंस 2010 के बाद के सारे क्वेश्चन लगाने हैं, और एडवांस के पीवाईक्यूज भी 2010 के बाद के लगाने हैं, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं 140 के अराउंड वाले बच्चे अब थोड़ा सा एडवांस की तैयारी भी स्टार्ट कर दें तो उनके भलाई की बात। मैं ये नहीं कह रहा उनका हो जाएगा या नहीं होगा, पिछले साल 96% 120 मार्क्स के आसपास पे थी, इस बार थोड़ा सा बढ़ सकता है, ठीक है। तो 140 मार्क्स के वाले बच्चे तो डेफिनेटली अपनी तैयारी अब स्टार्ट कर दीजिए। 250 प्लस वाले एडवांस की पीवाईक्यू एंड शीट्स लगाएंगे। टेस्ट, दो मॉक टेस्ट आपको ट्राई करने हैं वीक में, सर हमारे तो बोर्ड्स के भी एग्जाम है मैं मानता हूं, अब आपको प्रायोरिटी देनी है, दो नहीं तो एक तो लगाइए, ये मिनिमम कह रहा हूं, अगर आप एक लगा ले रहे हैं वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने कंफर्ट के साथ लगाएं, लेकिन लगाएं जरूर। इनका भी दो मॉक टेस्ट है हमारे पास, इसमें एक एडवांस का रखिए, एक जेईई मेंस का, और ये डेफिनेटली एडवांस के मॉक टेस्ट लगाएं। एक्स्ट्रा बुक करने का आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी एचसीवीएन पीवाईक्यू एचसीवीएन एडवांस की पीवाईक्यू एचसीवीएन एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर। क्लियर सर, कहां मिलेगा पीवाईक्यू? खुशागर बेटा, इस समय पर आके अगर तू ये सवाल पूछ रहा है तो तेरे को भी अपनी रैंक मिलेगी नहीं ढूंढने पर, ठीक है। अगर तेरे को ये सवाल अब जवाब चाहिए कि सर पीवाईक्यू कहां से मिलते, तो बेटा 14 लाख में ना रैंक ढूंढता रह जाएगा तू, ठीक है, कि कहां आ गई। क्लियर? जो अभी इस वाले अटेम्प्ट के सारे अटेम्प्ट के, कई बच्चों ने नहीं लगाए होंगे, इस वाले अटेम्प्ट के जो पेपर हैं उनको अभी छोड़ दीजिएगा, गैप आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2024 के जनवरी अटेम्प्ट का कोई भी क्वेश्चन अब नहीं लगाना, कोई नहीं लगाना। अब जब आपका सेकेंड अटेम्प्ट होगा उससे पहले इनको एज अ टेस्ट दे दीजिए।